ऑल द यूट्यूब पीपल हु आर वॉचिंग दिस सेशन, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का आज के इस सेशन में। आज का सेशन थोड़ा सा म्यूजिकल होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर हैविंग आर्यम हीर सिंह जी विद अस, अमेजिंग सिंगर, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। उनके बारे में और मैं बताऊंगा कुछ बातें। उससे पहले मिहिर भैया, मैं आपको बताऊं कि दीज सेशंस वी आर डूइंग फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर, इसका यही पर्पस है कि जो भी ये सेशन देखे उसके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए, उसकी लाइफ एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, और वो यहीं तक नहीं रुके, वो थोड़ा सा और इस पाथ में आगे जाए और एक स्ट्रेस फ्री वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण, यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बनाया हुआ है, इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये जो सेशन है बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं, सब डिवोटीज एक जगह इकट्ठा होते हैं एंड इट जस्ट फ्लोज। सो आपको भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ग्रुप के आगे। सो टॉकिंग अबाउट मेहर जी, ही इज आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी एंड हैव बीन एसोसिएटेड सिंस पास्ट 15 इयर्स, स्टार्टेड एज अ किड बीइंग अ पार्ट ऑफ आर्ट एक्सेल इन यस कोर्स। ही इज ऑल्सो अ सिंगर सॉन्ग राइटर, स्टार्टेड सिंगिंग एट द एज ऑफ 9। ही हैज बीन सिंगिंग ऑन स्टेज एवर सिंस, क्लासिकली ट्रेन्ड इन हिंदुस्तानी वोकल्स, also loves performing with his guitar. He holds a bachelor degree in computer science from IIIT Hyderabad. Currently he is working as a senior software engineer at Siemens Hyderabad. Today he is here with us and I welcome you Mihir ji. aaj jo humne rakha hai soul string, jo hamare man ki tarang hai uske upar, so Mihir bhaiya, can we start with the Lord Ganesh and usse hum ताकि हम जो आज का सत्संग है उनसे स्टार्ट करें। ओवर टू यू मेरे भैया। यस यस, पहले मेरी आवाज आ रही है सबको ढंग से? यस, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी एंड अंकिता जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपका यूट्यूब चैनल बहुत फेमस है और मैं भी खुद भी फॉलो करता रहता हूँ, राइट? तो और बहुत अच्छा लगता है जब इतना इंसाइटफुल गुरु स्टोरीज और चीजें सीखने को मिलती है ना। तो आज हम संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ भजन का और ज्ञान का एसेंस वी विल गेट, राइट? बिकॉज सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग मतलब तीन चीजें है ना, तो गान, ज्ञान और ध्यान तीनों ही उसमें होते हैं। सो वी विल एक्सपीरियंस ऑल थ्री ऑफ देम। व्हाट डू यू से? यस, अमेजिंग। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, लंबोदरा विघ्नेश्वरा, शंभो कुम्हारा विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुम्हारा विघ्नेश्वरा, लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, शंभो कुम्हारा विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुम्हारा विघ्नेश्वरा, लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, शंभो कुम्हारा विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुम्हारा विघ्नेश्वरा। अम्बिक तनया ओंकारेश्वर
अम्बिक तनया ओंकारेश्वर हे रंबा विघ्नेश्वरा हे रंबा विघ्नेश्वरा लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा शंभो कुम्हारा विघ्नेश्वरा शिव शंभो कुम्हारा विघ्नेश्वरा मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे हे मोरिया रे बापा मोरिया रे 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 गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे हे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे हे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे हे मोरिया रे बप्पा 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 मोरिया रे तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोग साथ में मिलकर गाएं और पार्टिसिपेट करें. सत्संग का यही अंश है और अर्थ है कि हम भागीदार हो जाएं. ठीक बात है. यस ऑलराइट. गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रियताम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें प्रियताम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें प्रियताम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें प्रियताम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें प्रियताम तुम्हें हृदयनाथ तुम्हें प्रियताम
हम तुम्ही हृदय नाथ तुम्ही प्राण नाथ तुम्ही मेरे स्वामी शिवा स्वामी नाथ तुम्ही मेरे भावने शिवा गुरु नामात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम तुम ही भक्ति हो तुम ही शक्ति हो तुम ही भक्ति हो तुम ही शक्ति हो तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे को तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम भैया जब गुरु जीवन में आते हैं तो काफी हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। आपके जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग का आना कैसे हुआ और बचपन में जैसे आप जुड़े थे, फिर आप इस पांच पे और कैसे प्रोग्रेस किए, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। अरे जी, तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि मुझे बहुत एक छोटी उम्र से ही मुझे वो एक एक्सपोजर मिला घर पे भी और मतलब मेरे आसपास जो भी लोग थे सब मोस्टली आर्ट ऑफ लिविंग से ही थे। तो हम बचपन में जब हम छोटे थे तब हम सत्संग में जाते थे और कोर्सेस करते थे, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एटमोसफियर, राइट। एंड वहाँ से फिर आई स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर कोर्सेज, जैसे जैसे कॉलेज में गए फिर कॉलेज में वॉलंटियर करने लगे कोर्सेज के लिए। वी स्टार्टेड सीइंग सो मच चेंज इन द यूथ ऑफ टुडे, राइट, वंस दे डू द प्रोग्राम, राइट, स्पेशली इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में आते हैं एंड देन दे एंड अप डूइंग समथिंग, they go start going in a different direction, right? So I started feeling ki we have such beautiful knowledge that Gurudev has given us, and wo aisa gyan hai jo aapko personal life mein to aapko help karta hai, uske sath sath aapko professional life mein bahut help karta hai, right? Talking about the youth, right? So wo mujhe ek bahut acha fayda hua usse, and फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए वॉलंटियरिंग में और अच्छे से करने लगे, तो देन वी डिड वीटीपी, फिर सहज ही अपने आप टीटीपी भी हो गया। तो मतलब मेरी लाइफ पूरी मुझे गुरु स्टोरी ही लगती है, कैसे अपने आप ही होता गया, मेरी विल से कुछ भी नहीं हुआ। आई डेंट थिंक कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, सब अपने आप ही होता गया। तो एंड मुझे हर स्टेप पे मदद की है, मदद मिली है हर स्टेप पे और हर एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ में। तो जैसे कि जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे एक चीज थी कि मुझे हर चीज में उत्तम रहना है। आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि मैं संगीत कर रहा हूँ तो मुझे संगीत भी ढंग से करना है। इफ आई एम डूइंग साइंस आई शुड बी ब्रिलियंट एट इट, राइट। अगर मैं सेवा कर रहा हूँ तो भी मुझे 100% होके करना है। एंड बाय गुरुदेव्स ग्रेस आई गॉट व्हाटएवर आई विश्ड फॉर, जो भी मुझे
जो भी मुझे जैसा भी मैं सोचता था वैसा वैसा होता गया। तो इससे इससे एक चीज मुझे मालूम चली कि ही इज देयर एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग इन आवर लाइफ, राइट। तो गुरुदेव बोलते हैं कि एक ही कदम हमको बढ़ाना है, वो ये है कि स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड, राइट। आप खुद को बहुत भाग्यवान समझना शुरू कर दें। जिस दिन आपने बस ये चीज जीवन में उतार ली, उसके बाद अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा, राइट। देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी, कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है। बस इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते जाएं तो जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। हिज ग्रेस इज सो सो प्रेवलेंट, इट्स देयर एवरीवेयर, इजंट इट? यस, या जब गुरुदेव को आप कभी सत्संग में देखते हो, उनको अपने फुल एक मस्ती भरे मूड में, तो क्या कौन सा आपके मन में वो भजन आता है या गाना आता है जो कहें सिंग दैट फॉर अस? ओके, वाओ, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग इट। ओके, जब गुरुजी को मस्ती में देखते हैं तो हमेशा कृष्णा ही आते हैं मेरे मन में। तो वो नटखटपन, वो जो एक मस्ती है, एक यू नो सच चाइल्ड लाइक इनोसेंस, इज़न्ट इट? Krishna Govinda, Govinda Govinda, Krishna Govinda, Govinda Govinda, Govinda Shyam Radhe Krishna, Govinda Shyam Radhe Krishna, Krishna Govinda, Govinda Govinda, Krishna Govinda, Govinda Govinda, Shyam Radhe Krishna, Govinda Shyam Radhe Krishna, Govinda Govinda Paramanand Ananda, Govinda Govinda Paramanand Ananda, Ghanshyama Anand Krishna, Ghanshyama Anand Krishna, Madhuranana Krishna, Manmohana Krishna, Madhuranana Krishna, Manmohana Krishna, Keshava Madhava, Keshava Madhava, Keshava Madhava, Yadunandanandanananda Krishna Govinda, Govinda Govinda, Krishna Govinda, Govinda Govinda, Govinda Shyam Radhe Krishna, Govinda Shyam Radhe Krishna, Govinda Govinda Paramanand Ananda, Govinda Govinda Paramanand Ananda, Ghanshyama Anand Krishna, Ghanshyama Anand Krishna, Madhuranana Krishna, Manmohana Krishna, Madhuranana Krishna, Manmohana Krishna, Keshava Madhava, Keshava Madhava, Keshava Madhava, Yadunandanandananda Krishna Govinda, Govinda Govinda, Krishna Govinda, Govinda Govinda, Govinda Shyam Radhe Krishna, Govinda Shyam Radhe Krishna, Govinda Shyam Radhe Krishna, Govinda Shyam Radhe Krishna, Nanda Nanda Ananda Nanda Nanda Govinda Nanda Nanda Gopala Gopala Nanda Nanda Ananda Nanda Nanda Govinda Nanda Nanda Gopala Nanda Nanda Ananda Nanda Nanda Govinda Nanda Nanda Gopala
गोपाल नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाल गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला ए गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला ए मुकुंद कृष्णा गोविंदा मुरली कृष्णा गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला वंडरफुल सुधा दीदी इज सेइंग समथिंग अच्छा उन्होंने एक स्टार ये तो हम जैसे गुरुदेव की बात कर रहे हैं आज तो उनके बहुत सारे स्वरूप दिखते हैं कभी वो शिव दिखते हैं कभी वो कृष्ण भगवान दिखते हैं कभी उनके ऊपर देवी का एक रूप दिखता है उनके अंदर ये सारे को हम देख हैं लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम उनके सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ही रह जाते हैं बट ही इज इटर्नल हम अपने आप को उनके फिजिकल फॉर्म से बाहर उनको कैसे देखना स्टार्ट करें क्योंकि कई जन इसमें ही अटके रह जाते हैं सोचते हैं कि गुरुदेव कहीं देख लिया तो मेरा काम होगा अगर गुरुदेव नहीं दिखे तो बनी नहीं मेरी बात तो हाउ अ डिवोटी कैन सरपास दिस चैलेंज वेरी गुड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है कई बार सबके साथ होता है कई बार तो इसका इसको इस चीज से बाहर आने का एक तरीका जो मैं समझता हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है वो ये है कि आप जितना गहराई में जाएंगे साधना में आप जितना साधना पथ पे आगे बढ़ेंगे जितना ध्यान में अंदर जाएंगे उतना आपका जो मन है वो निराकार की तरफ अपने आप जाने लगेगा राइट तो यू विल स्टार्ट फीलिंग हिम सीइंग हिम एवरीवेयर एंड स्पेशली इनसाइड यू राइट जो गुरुदेव बोलते हैं कि मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है बोलते हैं कि नहीं यस और नो तो ये जो गुरुदेव जो बोलते हैं वो हम महसूस और एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे राइट तो एक्चुअली जो जो हमारे कोर्सेज हैं वो इसीलिए इतने अच्छे से डिजाइन करे हुए हैं ज्ञान भी है साथ में ध्यान भी है और साथ में गान भी है राइट तो भाव भी है उसके साथ आपका ज्ञान भी है उसके साथ आपको आपके अस्तित्व के स्तर पर भी आपको वो चीज महसूस करवाते हैं तो सहज समाधि सुदर्शन क्रिया और संयम ये सब में आगे बढ़ते जाएं अपने आप वो अनुभूति में आ जाएगा ऐसा मेरा मानना है एक बार उनके साथ आ जाए तो फिर हमें काल का और बाकी सब चीज का डर नहीं बिकॉज गुरुदेव हमारे साथ या कैन वी जस्ट हैव वन मोर भजन और यस आपने काल की बात करी तो हम एक शिव भजन करते हैं यस शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं
नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तो शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपोहम अद्वैत महानंद रूपम ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम ब्रह्मा स्वरूपोहम चिदोहम चिदोहम सच्चिदानंद सच्चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवाय हर 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 महादेवा शिव शंभो महादेवाय हर 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 महादेवा शिव शंभो महादेवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव ओम शिव शिव ओम नमः शिवाय हर ओम हर ओम हर ओम नमः शिवाय हर ओम हर ओम हर ओम नमः शिवाय शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवाय हर 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 महादेवा शिव शंभो हर 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 महादेवा शिव शंभो महादेवाय शिव ओम शिव ओम शिव ओम नमः शिवाय हर ओम हर ओम हर ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय हर ओम नमः
ओके, तो सब लोग साथ में गा रहे हैं, सब लोग को अच्छा लग रहा है। यस, अमेजिंग। या तो देखिए, जब सत्संग करते हैं तो उसमें गान भी ज़रूरी है, ज्ञान भी ज़रूरी है ना, और ध्यान फिर अपने आप ही हो जाता है ना, कि तो लोगों को लग रहा है, महसूस हो रहा है ऐसा। अमेजिंग, वेरी गुड। एक और भजन करें। यस, वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी, वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी, वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। कृपा करो प्रेम सवारो, कृपा करो प्रेम सवारो राज रजेश्वरी, आनंद रूपिणी राज रजेश्वरी, आनंद रूपिणी वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी, वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। काली मा कृपा मा दया मा प्रेम मा सुंदरी मनोहरी मा, काली मा कृपा मा दया मा प्रेम मा सुंदरी मनोहरी माँ, स्नेह महिमा स्नेह महिमा स्नेह महिमा स्नेह महिमा, वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी, वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। काली मा कृपा मा दया मा प्रेम मा सुंदरी मनोहरी मा, काली मा कृपा मा दया मा प्रेम मा सुंदरी मनोहरी माँ, स्नेह महिमा स्नेह महिमा स्नेह महिमा स्नेह महिमा, वंदे भुवनेश्वरी मंगल गहरा श्वास अंदर।
और धीरे से छोड़ दें। जब भी आपका मन करे बहुत धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। एक जब हम भजन में होते हैं भैया तो कितना एक अलग स्टेट में चले जाते हैं, सारे दुख चिंता सब कहीं गायब हो गए ऐसा लगता है। और सत्संग गुरु स्टोरी लोग पूछ रहे हैं अभी, इफ यू कैन शेयर सम गुरु स्टोरी। गुरु स्टोरी, ओके। देखिए गुरु स्टोरी तो वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ होती रहती है ना, और ये सबका ही एक्सपीरियंस है, इजंट इट। तो आई विल शेयर वन स्टोरी जो कि मेरे कॉलेज के समय से है, कॉलेज के समय पे हुई थी। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी थी IIIT हैदराबाद से। तो फोर्थ ईयर में आके हमको प्लेसमेंट्स में बैठना था, वी हैड टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। तो कंपनीज आई जा रही थी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक दिन तक प्लेस होना है। जैसे होता है बच्चों में बहुत कंपटीशन होता है कि हाँ पहले दिन प्लेस होना है, सेकंड डे प्लेस होना है, तो वैसे मुझे भी था। और किसी कारणवश मेरे राउंड्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, और एक समय ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल ही हताश हो गया था कि अब क्या होगा, सच्ची में कैसे होगा, बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला कि गुरुदेव आई डू नॉट नो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बस आई वॉन्ट टू बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिचुएशन से जल्दी से जल्दी बाहर आऊँ। तो जैसे ही मैं सोचा वैसे ही मुझे कॉल आया एक टीचर का, जो कि उस समय STC थे हैदराबाद के, और उन्होंने कॉल करके बोला कि गुरुदेव इज कमिंग टू हैदराबाद। और मुझे लगा कैसे तो एकदम से मुझे लगा कि आई हैव टू गो एंड मीट गुरुदेव, मुझे जाना है गुरुदेव से मिलने। तो मैंने बोला कि भैया आप जा रहे हैं क्या गुरुजी से मिलने? तो ने बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तेरे को आना है तो आ जाना तू मेरे साथ गाड़ी में, मैं जाऊँगा एयरपोर्ट जाऊँगा मिलने गुरुजी से। तो गुरुजी एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट जाते जाते मुझे मालूम चला कि गुरुजी एक्चुअली हैदराबाद विजिट नहीं कर रहे, वो हैदराबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहे हैं। तो हम वहाँ पे पहुँचे, और जब तक हम पहुँचे तब तक गुरुदेव निकल चुके थे, तो मुझे मिलने का मौका तो नहीं मिला। फिर मैं एकदम निराश हो गया कि अब क्या है। तो लेकिन लेकिन मैंने ये चीज़ एंटिसिपेट की थी, तो इसलिए मैंने एक लेटर लिख लिया था। तो मैंने लेटर किसी के थ्रू पहुंचा दिया। फिर हम वापस जब जा रहे थे, तो जाते जाते एक डिवोटी रास्ते में, एयरपोर्ट के रोड्स में कोई खड़ा नहीं होता है, बिकॉज पीपल आर जस्ट गोइंग ड्राइविंग इधर टू द एयरपोर्ट और फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो हम जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके एक गाड़ी रुकी, और उसमें एक डिवोटी थे। उन्होंने बोला कि रुकिए रुकिए रुकिए। तो हमको लगा पता नहीं क्या हो गया, तो और हमने कांच नीचे किया, तो फिर उन डिवोटी ने बोला कि ये प्रसाद है और ये फूल है, गुरुजी ने बोला स्पेशली बोला है कि सब में बांटना इसको। तो और उनको कोई करने की, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी दे केम एंड दे गेव गेव दैट प्रसाद। वो लिया मैंने, मेरी चिट्ठी भी चली गई थी। और द नेक्स्ट डे जो भी कंपनी आई, पहली बात तो ये हुआ और मैं वापस हॉस्टल पहुंचा, तो मुझे अंदर से अपने आप ही लाइट महसूस हो रहा था कि मेरा जो काम है वो हो चुका है, मुझे अब और कुछ चिंता की जरूरत नहीं करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन पता नहीं अपने आप ही जो पहली कंपनी आई प्लेसमेंट्स के लिए, उसमें पहला राउंड क्लियर, सेकंड राउंड क्लियर, थर्ड राउंड क्लियर, फोर्थ राउंड क्लियर, फिफ्थ राउंड क्लियर, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आई गॉट अ जॉब।
So it was, I cannot explain it. it was a beautiful experience. तो ऐसे हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता ही है. और गुरुदेव तो बोलते हैं कि हमारे जितने भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं हमको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए. तो मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो अभी हमारे साथ अभी जुड़े हैं सबको प्रेरित करता हूँ कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस अपने अनुभव सबके साथ शेयर करें, राइट. चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे एक कॉल करके क्यों ना हो, राइट. आपके शेयर करने से और दूसरे लोगों तक वो गुरुवाणी पहुंचती है. यस और नो? या तो अच्छी चीज शेयर करना बहुत जरूरी है, राइट. यूजुअली हम देखते हैं कि नेगेटिविटी बहुत शेयर करते हैं लोग दुनिया में, राइट. कि अरे ये खराब है, ये खराब है, ये ठीक नहीं है. लेकिन वी नीड टू शिफ्ट दैट, राइट. हमको वो बदलने की जरूरत है. हमको वी नीड टू शेयर मोर पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड. यस और नो? या यस. सो दिस इज वन ऑफ माई गुरु स्टोरीज, prominent ones. Yeah. It's really amazing. Can we have one more question? Yes, of course. Okay. So what shall we sing? Are there any requests? Yeah, कुछ Bollywood से which is dedicated to Gurudev, something. हाँ, let's. I love singing Sufi music a lot. और मुझे कैलाश खेर बहुत पसंद है. तो मैं कैलाश खेर का एक गाना सुनाता हूँ आपको. चोख पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे. चोख पुरावो माटी रंगावो खबर सुनाऊं जो खुशी रे मनाऊं जो आज मोरे पिया घर आवेंगे. आज मोरे पिया घर आवे मेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरी पी की सवारी. हर कोई काजल लाओरी मोए काला टीका लगाओरी उतनी छट से देखूं मैं तो प्यारी. लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आवेंगे. आज मोरे पिया
राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। जय गुरुदेव। माधवा मधुसूदना भी चलेगा। We would like to hear in कलावती राग माधवा मधुसूदना। ओके। If you can। ओके। माधवा मधुसूदना यादवाय दुनंदना
माधवा मधुसूदना याद वायदुनंदना राधे 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 राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा माधवा मधुसूदना यादवाय दुनंदना माधवा मधुसूदना माधवाय दुनंदना राधे 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 राधा मानस चंद्रमा राधे 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 राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा नंद आनंद नंदना वृंदावन जन रंजना नंद आनंद नंदना वृंदावन जन रंजना राधे 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 राधा मानस चंद्रमा राधे 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 राधा मानस चंद्रमा 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 Yeah, all the people, like 71 people are there on YouTube, and they all are like in the flow. Sabke sab is bhav mein hi aa gaye hain. There are so many comments coming up on YouTube right now, and they all are feeling so blessed that we are having this satsang. ये सत्संग में जो एनर्जी मिलती है हमें, ये जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड रहता है, ये हमेशा कैसे बना रहे, ये लोगों के मन में कई बार होता है। हाँ, तो हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब गुरुदेव से पूछा जाता है कि गुरु जी हमेशा कैसे खुश रहे, तो गुरु जी क्या बोलते हैं, हमेशा शब्द अगर आप हटा दें तो आप खुश अभी हैं। Yes or no? So, आप हमेशा को भूल जाओ, आप अभी के सोचो। See, whenever we are in the present moment, we are happy, isn't it? When are we happy in the future or in the past? We are happy in the present moment, always in the now, 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 right? तो जब हम गाते हैं तो हमारा मन, और पूरी तरह जब डूब के गाते हैं, जब हम समर्पण के साथ गाते हैं, तो मन वर्तमान क्षण में आ जाता है। यस और नो? जब मन वर्तमान क्षण में आ जाता है तब हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। यस, तो हमेशा कैसे खुश रहे, हमेशा की भूल जाओ, अभी की सोचो। यस, या दैट इज द मंत्रा। एब्सोल्युटली।
जो बहुत सारे लोग अभी ये सेशन देख रहे हैं, मैं सभी को ये बोलूंगा कि आप तो जिस जोन में आ गए हो, आप इसे औरों तक भी शेयर करो, जितने भी लोगों को आप जानते हो सब तक पहुंचाओ, सबके सब जब सत्संग में आएंगे, सत्संग कभी भी सुनेंगे तो उनका भाव शुद्ध हो जाएगा, एक नई चेतना का और एक नई ऊर्जा का निर्माण होगा। एंड जो लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ताकि हम लोग रोज ये कर रहे हैं, यही पर्पस है कि सोने से पहले बस उस भाव में आ जाए, गुरुदेव को याद कर ले। एंड थैंक यू सो मच। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, आर्य जी मैं आपसे एक लास्ट, बिकॉज अभी जस्ट कुछ ही मिनट बचे हैं, वन लास्ट भजन यू लाइक टू सिंग फॉर द पीपल हु आर वाचिंग। Okay, yeah, so so ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ इस चैनल के माध्यम से, और जो जो शांति और जो खुशी आपने महसूस करी है वो बांटने से ही बढ़ेगी, है ना? अगर हम अपने तक उसको सीमित रखेंगे तो और छोटी होती जाएगी, राइट? सो जितना लोगों तक हम पहुंचेंगे इस ज्ञान के साथ, उतना ही ये हमारे जीवन में भी बढ़ेगा। यस, या तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ी सेवा है, राइट? सो आप तो सब्सक्राइब करें ही चैनल को, दूसरे लोगों भी से भी शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। था कि आप आर्ट ऑफ लिविंग से पहले ही से इतने शांत थे कि उसके बाद शांत हुए, सुना क्या? हाँ हाँ जी, सुना सुना। आर्ट ऑफ लिविंग से पहले शांत थे कि बाद में शांत हुए? ये तो इतने शांत कैसे आप, मुझे तो थोड़ा जी नहीं जी, बस आप हर दिन आप सुदर्शन क्रिया करते रहिए, गान ज्ञान ध्यान में रमे रहिए, बस साधना सेवा सत्संग को अपने जीवन में उतार लीजिए, बस कि ये तो करना ही है कुछ भी हो जाए तो। और जितने भी लोग हम हैं सब अभी साथ में, हम सब के अंदर वो शांति है। मैं स्टंबल कर रहा हूँ बट हम सब के अंदर वो अंश है गुरु का, राइट? तो वो शांति जो है वो छुप जाती है स्ट्रेस से, चिंता से, है ना? तो सुदर्शन क्रिया से, ज्ञान से हम वो उस स्ट्रेस को बस साफ करते हैं और इट स्टार्ट्स कमिंग अप अगेन, राइट? तो हम सब में वो है, बस उसको उसको अनकवर करने का जरूरत है। ओके प्लीज भैया थैंक यू, आपका नंबर दीजिए ना, मतलब मैं भी ग्रुप में हूँ ना, तो आप सत्संग करते हैं तो मैं बोल सकती हूँ क्या किसी को? हाँ, आप अंकिता जी से या फिर अभिषेक भैया से ले सकते हैं मेरा नंबर। यस ओके ओके ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके बिफोर वी डू द लास्ट भजन, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। इसी तरह से आप ये हर दिन इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए, ज्ञान में रमे रहिए, है, और सत्संग में भी भाव में रहिए, राइट? ओके जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल।
जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि एक गहरी श्वास अंदर और बाहर छोड़ते हैं. Another deep breath in and breathe out. धीरे धीरे जब भी आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं. जय गुरुदेव. Thank you so much. This was really bliss. मन एक अलग स्थिति में पहुंच गया है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच. यू गॉट अ मेस्मराइजिंग वॉइस. यू नो यू हैव टेकन अस टू अनदर लेवल. And especially when you sang that Shivoham, really went to Dhyan stage. But immediately you have shift over to Shiva Shambho Shambho. That is amazing. You know, to come out of that only took time for me. But really, that Shivoham songs made me some sort of tears in my eyes. You know, you have got such a mesmerizing voice. Really, you are blessed. And you are blessed with so many things, not only in music, in education too. We are very proud of you. We'd like to have one more satsang session. Yeah. Please do come. Thank you. Jai Gurudev. Thanks to Abhishek and Ankita for arranging you today. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you so much. Even I also want to thank both of you, Mihir and Abhishek. Being in Canada, really, I don't have any satsang, but really, it was so awesome. It was so awesome. Bless you, both of you. And Jai Gurudev. Jai Gurudev, thank you. Very meditative. It was very meditative. Thank you. Wonderful. Thank you so much.